हार्ट से रिलेटेड इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो किनके लिए सर्वोत्तम है, जो हार्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और वैसे बच्चे जो अभी बिलो क्लास टेंथ है वो हार्ट के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे और विज्ञान के प्रति जरूर रूप से उनमें एक अभिरुचि पैदा होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इंजॉय करें, होप कि आपको बहुत मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं। अभी हम देखेंगे हार्ट के सबसे पहले तो लोकेशन के बारे में, कि बॉडी में इसका लोकेशन कहाँ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी में फंक्शन कैसे करता है। आइए शुरू करते हैं आगे और देखते हैं इसको पूर्ण रूप से। अब यहाँ हम हार्ट के लोकेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं इस पिक्चर के सहायता से, जो ये हमारा हार्ट है ये दोनों लंग्स के बीच में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक लंग्स इधर है जो कि राइट लंग है, और दूसरा लंग इधर है जो कि लेफ्ट लंग है। ओके, तो हार्ट इज लोकेटेड इन बिटवीन द लंग्स, ठीक है। और लंग्स के चारों तरफ फिर क्या है, तो जो जिसे हम पसली बोलते हैं, वो पसली का पूरा एक पिंजरा बना हुआ है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिब केज, ठीक है बच्चों। और सामने क्या है, तो सामने हमारे छाती का हड्डी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। तो ऐसे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है ये लोकेटेड है इन बिटवीन द लंग्स विद इन रिब केज एंड द फ्रंटल पार्ट इज स्टर्नम, और पीछे क्या है, बैकबोन है, ठीक है। और नीचे फिर नीचे ये किस चीज से कवर है, तो नीचे ये कवर है डायाफ्राम से। किस चीज से कवर है बच्चों, नीचे ये कवर है। नाउ वी विल सी द एग्जैक्ट एनाटोमिकल पोजीशन ऑफ हार्ट विद इन बॉडी। आइए अब हम लोग देखते हैं हृदय का शरीर में स्थिति। अब जब हम एनाटोमिकली हार्ट का लोकेशन देखते हैं बॉडी के अंदर, तो हम क्या पाते हैं कि ये जो दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट स्थित है, तो लेफ्ट लंग जो है ये स्लाइटली अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है। तो इस धंसाव को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। तो यहां से हमको क्या मालूम चला कि हमारा जो हार्ट है ये तो लोकेटेड है दोनों लंग्स के बीच में, बट लेफ्ट लंग है वो स्लाइटली अंदर के तरफ धंसा हुआ है, डिप्रेस्ड है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच बोलते हैं। और इसी कार्डियक नॉच में हमारा हार्ट क्या रहता है, प्लेस रहता है। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या समझ गए कि लोकेशन इन बिटवीन द लंग विच इज नोन एज कार्डियक नॉच। हाँ, और हार्ट का जो वेट होता है ये 250 से 350 ग्राम होता है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो बहुत ही एक फेमस डायलॉग है मूवी का, आप लोग को भी मालूम है कि ये 2.5 किलो का हाथ है, ये उठता नहीं है उठा देता है। तो साथ में अब हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग के पास 2.5 किलो का हाथ के साथ साथ 250 ग्राम का दिल भी है जो धड़कता भी है। ओके, ठीक है। इसका शेप देखिए, शेप के बारे में बोल रहा है कि शेप इसका होता है फिस्ट या क्लेंच्ड फिस्ट के जैसा। तो फिस्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा मुट्ठी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फिस्ट, ठीक है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं शेप से, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया हार्ट का शेप, और ये हो गया हमारा मुट्ठी, ये दोनों सिमिलर है ना, इसलिए इसको बोला गया कि द शेप ऑफ हार्ट इज जस्ट लाइक द फिस्ट। ओके बच्चों, आइए देखिए अब इसको हम लोग और अच्छे से देख सकते हैं। साइज कितना होगा, एज बिग एज आवर फिस्ट, चूंकि एनसीईआरटी का लाइन है इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, शेप क्लेंच्ड फिस्ट जैसा। फर्दर देख लेते हैं, ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया, आप लोग देख सकते हैं ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस सी 3D व्यू ऑफ हार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या बताएं, जब ये हार्ट है तो ये हार्ट का आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो तरह का वेसल्स है, एक वेसल जिसका कलर किसमें दिखाया गया है, रेड में, और एक वेसल जिसका कलर कैसा दिखाया गया है, ब्लू में। अब ये समझने वाला बात है कि रेड और ब्लू में क्यों दिखाया गया, जहां भी आपको ब्लू में वेसल दिखे ना, आपको समझना है कि ये हमेशा कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ये इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहे हैं। इम्प्योर ब्लड को हम लोग और में क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जहां भी रेड आपको मिले इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये प्योर ब्लड कैरी कर रहे हैं, यानी प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन इनके द्वारा हो रहा है, और प्योर ब्लड को हम लोग और में क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे हम लोग देखेंगे कि इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब आइए, अब यहां जब हम लोग देख रहे हैं तो इम्प्योर ब्लड का जो हम वेसल्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो दो मेन वेसल्स है जिसके थ्रू ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेना कावा। क्या बोल रहे हैं बच्चों, वेना कावा। क्या बोल रहे हैं, वेना कावा। अब आइए इसको थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे वेना कावा का मतलब क्या है, सुपीरियर इंफीरियर का मतलब क्या है।
एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां भी वेसल्स का कलर ब्लू होगा, इनका मेन काम क्या होगा, इनमें ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे ब्लड का, इम्प्योर ब्लड का। तो एक्चुअली वेना काभा जो होती है ना, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कोलेक्ट करती है और हर्ट मिला के भेजती है, हर्ट में लाती है। कहां से लाती है? डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और कहां पे लाती है? हर्ट में लाती है। फिर क्वेश्चन ये उठेगा कि सर हर्ट में तो दो चैंबर होता है, लेफ्ट चैंबर और राइट चैंबर, तो किस चैंबर में लाएंगी? आप लोग याद रखिएगा, जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, वो हर्ट के सिर्फ और सिर्फ राइट चैंबर में ही आएगा। कभी भी इम्प्योर ब्लड कहां आएगा? हर्ट के राइट चैंबर में ही आएगा, और नीचे वाले पार्ट से आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फीरियर वेना काभा। और जिस वेसल से ऊपर वाले पार्ट से आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपीरियर वेना काभा। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर वेन और वेना काभा में क्या अंतर है, वेन और वेना काभा में क्या अंतर है? ठीक है, तो देखिए दोनों से मेनली इम्प्योर ब्लड का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन वेना काभा जो होता है ना उनका डायमीटर ज्यादा होता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारा वेन्स आपस में कलेक्ट करके जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाती है, जो ज्यादा डायमीटर वाला स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेना काभा। और फर्दर ये वेना काभा है वो ब्लड को कहां तक ले जाती है? हर्ट के राइट चैम्बर से, और फिर हर्ट के राइट चैम्बर से वो लंग्स में जाएगा, जहां से इम्प्योर ब्लड फिर किस में चेंज हो जाएगा? प्योर ब्लड में। कैसे चेंज होगा? क्योंकि हम लोग को आप लोगों को भी मालूम है कि हम लोग ये नोज के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वहां पे फिर ऑक्सीजन आ जाएगा उस ब्लड में, और वहां वो जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और उसके बाद फिर वो ब्लड कहां आएगा बताइए? हार्ट में आ जाएगा थ्रू द लंग्स। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अब ये डिफरेंट, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ना, ये हार्ट का इनर स्ट्रक्चर है। अब इसको अगर हम लोग समझे तो कैसे समझ सकते हैं? ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। क्या हो जाएगा? लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है। और ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? राइट चैम्बर। कैसे, किस साइड में है बच्चों? ये राइट साइड में है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? राइट ओरिकल। और ये लेफ्ट साइड में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट ओरिकल। यानी यहां हम लोग के पास क्या है? राइट ओरिकल, राइट ओरिकल। और इस साइड में क्या होगा? राइट वेंट्रिकल। उसी तरह इस साइड में क्या हो जाएगा? लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है बच्चों? तो यहां से हम लोग क्या समझे कि जो हमारा हार्ट है ये मेनली चार चैम्बर में बटा हुआ है। जो लेफ्ट साइड में है उसको बोलते हैं लेफ्ट चैम्बर, और जो राइट साइड में है उसको बोलते हैं राइट चैम्बर। ध्यान आप लोग को यही रखना है कि राइट चैम्बर में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड ही रहेगा, और लेफ्ट चैम्बर में हमेशा प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा। ओके, अब फर्दर हम लोग देखेंगे तो राइट चैम्बर भी दो भागों में बटा हुआ है, जिसको बोल दिए राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट चैम्बर भी दो भागों में बटा हुआ है, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आइए आगे देखते हैं, देख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक वाल्व है, इस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे बच्चों इस वाल्व को? इस वाल्व को हम लोग बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये क्वेश्चन आएगा, सर इस वाल्व को हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे तीन कस्प है ना, 1, 2 एंड 3, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व, बिकॉज दिस वाल्व, द शेप ऑफ दिस वाल्व इज जस्ट लाइक थ्री कस्प, दैट इज नोन एज ट्राई कस्प। क्योंकि ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्राई कस्प। रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको जानना बहुत जरूरी है, आइए हम लोग इसको वन बाय वन जान लेते हैं। सबसे पहला टर्म जो कि हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आता है वो आता है कार्डियक, या उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियो। ये जनरल टर्म है जो कि हार्ट के लिए यूज होता है, जनरल टर्म है जो हार्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि स्टडी ऑफ हार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हृदय के अध्ययन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। तो अब सोचिए कोई वैसा डॉक्टर है जो कि हृदय का अध्ययन विशेष रूप से किया होगा, तो ऐसे डॉक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? हार्ट स्पेशलिस्ट। क्या बोलेंगे? हार्ट स्पेशलिस्ट। साधारण भाषा में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हार्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। और उसको टेक्निकल टर्म में हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या सीखे? यहां से हम लोग सीखे कि कहीं भी अगर कार्डियक या कार्डियो टर्म होगा तो उसका मतलब हमको क्या समझना है? हार्ट समझना है, ठीक है। आइए अब एक और टर्म है जो आपको हमेशा हार्ट में मिलेगा, वाल्व। वाल्व क्या होता है?
जान लीजिए। देखिए कहीं भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर्ट कहीं भी कुछ भी हो, साइकिल हो ट्रेन हो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। कहीं भी बाल्ब होगा ना, बाल्ब का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। क्या? यूनिडायरेक्शनल फ्लो को प्रोमोट करना, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को प्रोमोट करना। अब इसका मतलब क्या है यूनिडायरेक्शनल फ्लो को प्रोमोट करने का मतलब? इसका मतलब हुआ ना एक ही डायरेक्शन में फ्लो को ये सिर्फ प्रोमोट करेगा, बाई डायरेक्शन फ्लो नहीं होगा। आइए इसको समझते हैं। जैसे हम लोग बाहर से जब साइकिल या गाड़ी के चक्के में हवा भरते हैं तो क्या होता है, बाहर से हवा भरते हैं, हवा वो अंदर चला जाता है तो फिर बाहर आ पाता है क्या? नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि उसके चक्के में वाल्व लगा होता है और वो वाल्व क्या करता है, यूनिडायरेक्शन फ्लो को प्रमोट करता है और बाई डायरेक्शन फ्लो को रोकता है। उसी तरह हार्ट का जो डिफरेंट वाल्व है, हार्ट का जो डिफरेंट वेसल्स है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वाल्व देखने को मिलेगा। ठीक है, और हार्ट में हम लोग को कैसा वाल्व मिलता है बोलिए? बाइकस्पिड वाल्व मिलता है। कैसा मिलता है? बाइकस्पिड वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व को ही हम लोग और में क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। क्योंकि जो बिशप होते हैं ना, उनका जो आप टोपी देखिएगा उसके जैसा ही आपको दिखता है, बाइकस्प होता है, इसलिए इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व भी आपको देखने को मिलता है हार्ट में, हम लोग आगे देखेंगे ऐसा। तो क्या समझ गए, वाल्व कहीं भी हो, वाल्व का मेन फंक्शन क्या है? टू चेक आउट बाई डायरेक्शनल मूवमेंट एंड टू प्रोमोट यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ मूवमेंट। क्लियर हो गया बच्चों? द लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव्स प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड द राइट पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हार्ट का जो लेफ्ट चैम्बर है, इस लेफ्ट चैम्बर में जो ब्लड आएगा ये हमेशा कैसा ब्लड आएगा? प्योर ब्लड आएगा। और ये प्योर ब्लड हमेशा कहां से आएगा? तो ये प्योर ब्लड हमेशा आएगा कहां से बच्चों? लंग से आएगा, लंग से आएगा। ठीक है, और किसके थ्रू आएगा? जिस वेन के थ्रू आएगा उस वेन को हम लोग क्या बोलेंगे बोलिए? पल्मोनरी वेन। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट में आएगा ब्लड। कहां से आएगा? लंग्स से आएगा। ठीक है, तो ऑरिकल में आएगा कि वेंट्रिकल में आएगा? तो ऑरिकल में आएगा। कहां आएगा बच्चों? ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। क्लियर है? उसी तरह ब्लड फिर जो इम्प्योर ब्लड है वो कहां आएगा? वो जब भी आएगा तो हमेशा राइट चैम्बर में आएगा। और राइट चैम्बर में इम्प्योर ब्लड कहां से आएगा? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से आएगा। किसके थ्रू आएगा? नीचे वाला ऑर्गन है तो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा, और ऊपर का ऑर्गन है जैसे कि ब्रेन हो गया, नेक हो गया, तो ये सब में कहां से आएगा बताइए? सुपीरियर वेना कावा से आएगा। ठीक है, तो ये ब्लड जब यहां से आएगा तो कहां आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। और जो इम्प्योर ब्लड है वो कहां पे आ जाएगा? राइट ऑरिकल में आएगा। ठीक है, हम लोग अभी हार्ट का फंक्शनिंग देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये आएगा तो ये कहां चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जो इम्प्योर ब्लड है ये कहां आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब यहां पे क्या होगा? हार्ट पंप करेगा। अब यहां पे जब हार्ट पंप करेगा तो ये जो प्योर ब्लड है ये प्योर ब्लड अब कहां जाएगा? डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी में। और ये जो इम्प्योर ब्लड है ये इम्प्योर ब्लड अब कहां जाएगा? ये इम्प्योर ब्लड बताइए बच्चों अब कहां जाएगा? ये इम्प्योर ब्लड अब जाएगा लंग्स में। क्यों जाएगा लंग्स में? प्यूरिफिकेशन के लिए। कैसे? आइए उसको देख लेते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये कहाँ चला गया? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। और जो हमारे पास यहाँ पे वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जो इम्प्योर ब्लड था ये अब फर्दर कहाँ जा रहा है? तो ये फर्दर जा रहा है लंग्स में। किस चीज, किस काम के लिए जा रहा है बच्चों? प्यूरिफिकेशन के लिए। क्लियर है? हृदय का बायां भाग फुसफुस या फेफड़ा से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है, और हृदय का दायां भाग शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ये देखने से बच्चों आप लोगों को काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया था उसी तरह हम लोग को देख लेना है। हार्ट को हम लोग हमेशा दो पार्ट में बांट देंगे, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में हमेशा आएगा क्या? प्योर ब्लड। ठीक है, और लेफ्ट चैम्बर फर्दर
दो पार्टों में बटा हुआ है, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जो ऑरिकल है उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अलिंद। लेफ्ट मींस बाया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाया अलिंद। वेंट्रिकल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं नीलय, तो इसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या बोल सकते हैं, बाया नीलय। क्लियर हो गया। अब उसी तरह राइट पार्ट में हम आएंगे तो राइट चैम्बर ऑफ हार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। जो वेंट्रिकल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल या दाया नीलय, और क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल या दाया अलिंद। क्लियर हो गया ना बच्चों। आइए अब देखते हैं कि इसमें ब्लड आता कैसे है और फ्लो कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेफ्ट पार्ट में हमेशा प्योर ब्लड आएगा, या मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है। और हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग जो श्वसन लेते हैं वो लंग्स के थ्रू लेते हैं, यानी ऑक्सीजन सबसे पहले कहां आता है, लंग्स में आता है। यानी निश्चित रूप से जो लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आएगा ये कहां से आएगा, लंग्स में ही आएगा। अब देखिए यहां पे दिया है पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, यानी जो लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड ला रहा है ये कौन ला रहा है, पल्मोनरी वेन्स ला रहा है। कहां से ला रहा है, लंग से ला रहा है। अब यहां मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत बहुत काम है। एक्चुअली पल्मोनरी का मतलब ही होता है बच्चों लंग्स। जहां भी आपको पल्मोना या पल्मोनरी देखने को मिले ना, उसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा लंग। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कार्डियक या कार्डियो का मतलब हमको क्या समझना है, हार्ट। उसी तरह पल्मोनरी या पल्मोना का मतलब क्या समझना है आपको, लंग्स। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब जब ये लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर वाल्व लगा होगा। अभी मैंने आपको वाल्व का कंसेप्ट बताया ना, उसी तरह यहाँ पे वाल्व लगाओ। वाल्व क्यों लगाओ, कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो को प्रमोट करे, क्योंकि ब्लड जब इसके अंदर पूरी तरह भर जाए तो फिर ये दोबारा वापस ना जा पाए, इसलिए यहाँ पे वाल्व लगा रहेगा। और उस वाल्व को हम लोग बोलते हैं मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। क्लियर हो गया ना। उसी तरह आइए फिर अब क्या होगा, ये जब ब्लड पूरी तरह इसमें भर जाएगा तो उसके बाद ये फर्दर पंप होगा, और ये पंप होके कहां जाएगा, देखिए एओ के पास में जाएगा। अब एओ यहां पे क्या होगा, एओ हो गया आओटा। आओटा क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना वेन और वेना कावा में, उसी तरह यहाँ पे आर्टरी और आओटा है। बहुत सारा आर्टरी मिलके आओटा बनाएंगे। बस इतना समझना है कि आओटा का जो डायमीटर होगा ना वो ज्यादा होगा, ये मोटा आर्टरी होगा। समझ में आ गया। ये फर्दर प्योर ब्लड को कहां पे ले जाएगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया। अब आइए वेंट्रिकल की तरफ आते हैं, सेम यहाँ भी कंसेप्ट है, बस यहाँ पे यही समझना है कि यहाँ पे क्या आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा। और इम्प्योर ब्लड किसके थ्रू आएगा, वेना कावा के थ्रू आएगा। नीचे वाले पार्ट से जो वेना कावा लाएगा ब्लड उसको क्या बोलेंगे, इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं, और आओटा को, और सिरा को क्या बोल सकते हैं, महासिरा। बहुत बुक में वेना कावा भी लिखता है, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या समझना है कि नीचे वाले पार्ट से, बॉडी के नीचे वाले पार्ट से, नीचे वाले ऑर्गन से, हार्ट के नीचे वाले ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड आएगा वो किसके थ्रू आएगा, इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। कहां आएगा, राइट ऑरिकल में आएगा। ऑरिकल में हमेशा इम्प्योर ब्लड ही आएगा। और जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें जो इम्प्योर ब्लड है वो कहां से आएगा, वो आएगा सुपीरियर वेना कावा से, और वो भी कहां आएगा, ऑरिकल में। फिर यहाँ पे फर्दर क्या होगा, ब्लड वेंट्रिकल में जाके जमा हो जाएगा। और यहाँ भी फर्दर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा बच्चों, वाल्व देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा वहां पक्का हम लोग को कैसा क्या देखने को मिलेगा, वाल्व देखने को मिलेगा। ये इम्प्योर ब्लड फर्दर जो राइट पार्ट में है ये कहां होगा, कहां पंप किया जाएगा, लंग्स में किया जाएगा। क्यों लंग्स में, क्योंकि लंग्स में ही तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है ना। देखिए इम्प्योर और प्योर ब्लड में क्या डिफरेंस है वो समझ लीजिए। इम्प्योर ब्लड इज ऑल्सो नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको ये नहीं समझना है कि अगर ये प्योर ब्लड है तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। नहीं, इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है, प्योर ब्लड में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है। बट देखिए मैं इतना इंफेसिस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूब में गलत बताया गया है, इसलिए मैं इतना इंफेसिस देके आपको बता रहा हूं। प्योर ब्लड में भी ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन होगा, बट प्योर ब्लड में जो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसेंट्रेशन से ज्यादा होगा, इसीलिए हम लोग उसको प्योर ब्लड बोलेंगे। आ गया समझ में। चलिए अब फिर हम लोग फर्दर देखते हैं। देखिए इसको देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा, अभी जो मैंने समझाया आपको वही है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक और नया टर्म मिल गया, पेरिकार्डियम। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि कार्डियो या कार्डियक का मतलब क्या समझना है, हार्ट, और पेरी का मतलब क्या होता है, पेरिफेरी, परिधि। तो हार्ट का जो चारों तरफ का हिस्सा जो होता है ना
जो हार्ट का लेयर होता है जिससे कि हार्ट सराउंडिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिकार्डियम। और यहाँ आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है जो कि प्योर ब्लड लेके आ रहा है, ये कैसे यहाँ पे मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व से इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है या यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन किया जा रहा है। क्लियर हो गया। और यहाँ हम लोग सेम चीज देख सकते हैं, यहाँ पे कैसा हमारा वाल्व होगा, यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आपको ये बात हमेशा ध्यान देना है कि कहीं भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा वहां पे वाल्व लगा होगा। तो उसी तरह यहाँ पे जब ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल से कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में, तो यहाँ भी वाल्व होता है। ठीक है बच्चों, उसी तरह जब ब्लड, ध्यान दीजिए, जब ब्लड प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटर में जाएगा तो यहाँ भी वाल्व लगा होगा। क्यों वाल्व लगा होगा, ताकि फिर आउटर से ब्लड नीचे की तरफ नहीं आ पाए। जैसे ही अंदर चला जाएगा ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि ये वाल्व होते हैं देखने में अर्ध चंद्राकार होते हैं, इसलिए इनको हम लोग सेमी लूनर वॉल्व भी बोलते हैं। क्लियर हो गया ना बच्चों, सुपीरियर वेना कावा। अब आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है, इन्फीरियर वेना कावा ये भी आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। देखिए आओटा जो है ये फर्दर डिफरेंट आर्टरी में बटा है। क्यों बटा है, ताकि ये डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी में जाके ये ब्लड को पहुंचा सके। कैसे ब्लड को पहुंचा सके, प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा सके। ठीक है, अब आइए ये देख लेते हैं ये क्या है। ये बता रहा है डबल सर्कुलेशन, क्या बता रहा है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, ब्लड दो बार हार्ट से होके जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोल दिया गया, क्योंकि एक बार प्योर ब्लड जा रहा है और एक बार इम्प्योर ब्लड जा रहा है हार्ट से होके। अब ये कैसे जा रहा है, ये ऑलरेडी आप लोग को क्लियर है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट विल ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देख रहे हैं, तो वही हो रहा है। राइट पार्ट ऑफ द हार्ट विल ऑलवेज कैरी कैसा, इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हो गया ना बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन, आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हार्ट की मैंने पूरी बात कर ली और धड़कने के बारे में तो बात ही नहीं, मतलब क्या हार्ट बीट, हार्ट बीट, हार्ट बीट कितना होता है। अब हार्ट बीट ऐसे नहीं बताया जा सकता है कि कितना होता है, क्यों सर क्यों नहीं बताया जाते, क्योंकि बहुत सारी बातों पर ना डिपेंड करता है। अभी आप डर जाइएगा आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगा, अभी आप सो जाइएगा हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ तो बोलेंगे ना। तो हार्ट बीट हम लोग बोल सकते हैं 60-100 RPM, क्या RPM। अब RPM का मतलब क्या है, 60-100 टाइम बीट करेगा पर मिनट, पर मिनट 60-100 टाइम बीट करेगा ये पर मिनट। नॉर्मल अगर आदमी को कोई दिक्कत नहीं है तो ये यूजुअली होता है 72, अदरवाइज 60-100 जो डिफर करता है ना, ये बच्चा बूढ़ा एडल्ट में लेके ना ये डिफर करता है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर आपसे कोई पूछे तो 72, ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है 60-100 बोल सकते हैं। फिर कभी कभी बीमारी होता है जिसमें हार्ट क्या होता है बहुत तेज धड़कने लगता है, बहुत स्लो धड़कने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, तो हम लोग फर्दर हायर क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।